हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला में आज सर्दी के मौसम की दूसरी धुंध देखने को मिली। धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिस कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। आने जाने वाले लोगों को भी धुंध के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्मॉग के कारण लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। कल शाम अम्बाला का AQI 193 पहुँच गया था। आज से अम्बाला में ठंड की भी शुरुआत हो गई है। धुंध बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि फसलों के लिए धुंध काफी लाभदायक होती है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी 15 और 16 तारीख को बारिश की संभावना जताई जा रही है। अम्बाला से हमारे संवाददाता पंकज भाटिया की रिपोर्ट। मैं सुबधर मेजर रिटायर्ड आरके राणा। और देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वातावरण चल रहा था वो दूषित वातावरण चल रहा था, क्योंकि ये पराली जलाने से, पटाखों वगैरह से और इनसे ना काफ़ी धुआं फैल रहा था। अभी आज से धुंध की शुरुआत हुई है, आने जाने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। और उस जो ये प्रदूषण हुआ है उसकी वजह से आँखों में भी जलन हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात ये है कि आज से थोड़ा मौसम भी बदल गया है, ठंड भी लग रही है तो थोड़ा मौसम अच्छा लग रहा है कि अभी ये है। लेकिन वातावरण दूषित होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम सी महसूस हो रही है। आने जाने में विजिबिलिटी थोड़ा कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा कम है। परेशानी तो हो रही है, जिनको अगर जल्दी जाना है तो वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे विजिबिलिटी बढ़ने लगी है तो अभी ठीक है। संदीप कुमार। हाँ, सुबह से ही काफ़ी दिन में भी अंधेरे की तरह ही फील हो रहा है और हेडलाइट्स भी जला के चलनी पड़ रही है। स्मोक तो पहले ही था और आज जैसे कि ठंड की शुरुआत है तो हमें धुंध भी देखने को मिल रही है। और आपको पता है धुंध के अंदर व्हीकल चलाने में प्रॉब्लम आती है और ये जो मौसम है इरिटेशन पैदा कर रहा है, गले में खराश हो रही है और आंखों में भी जलन इससे हो रही है। और अभी लगता नहीं कि ये मौसम खुलेगा, तो 3-4 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। आने जाने में दिक्कत है ही है, दृष्टि कम हो जाती है, हेडलाइट जला के चलना पड़ता है और परेशानी तो होती है आने जाने में। जब तक मौसम नहीं सुधरेगा तो यही हाल रहेगा, व्हीकल स्लो हो जाते हैं, स्लो मूविंग ट्रैफिक रहता है जिससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और ऑफिस जाने में भी परेशानी होती है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।